जिनकी माँओं ने ये कहा है कि तुम्हारा बाप दुबई गया है, तुम्हारा बाप अमेरिका गया है, तुम्हारा बाप इंग्लैंड गया है, और वो अब के ईद को आएगा, 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 और बच्चे पूछ रहे हैं यतीम, मम्मा मम्मा, ना गाय आई, ना बकरा आया, ना दुम्बा आया, कुर्बानी का कोई जानवर नहीं आया, कई साल से हमारे यहाँ कुर्बानी नहीं हुई, कई साल से कुर्बानी नहीं हुई मम्मा। मम्मा अब तो पड़ोस वाले भी गोश्त नहीं भेजते, के जवाब में ये हमें कुछ नहीं भेजते। मेरी माँ, मेरी बहनों, बहनों, साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपने घर वालों से कह दीजिए एक हिस्सा अपने लिए रख के तीन हिस्से शुहदा को दे दे। कम से कम गरीबों का हिस्सा दे दे शुहदा को, लापता शीर साथी जो उनके जो अहले खाना मजबूर और बेकस हैं, जिनके पास वकील करने के पैसे नहीं है, उनके यहां दे दे। जो लापता है, जो घर के कमाने वाले थे, उनके यहां दे दे। तो मैं ये कह रहा हूं, ईद उल अजहा की कुर्बानी की खाले जो है किसी को मत देना एमकेएम के नाम पे, खुद लेके जाना, खुद बेचना, और उसके पैसे शहीदों के यहां दे देना। क्या कह रहा हूं मैं, कुर्बानी की खाले और गोश्त, कपड़े लत्ते, रमजान में बड़ा काम किया है नौजवानों ने, खवातीन ने भी। सलाम मेरी माओ बहनों बेटियों, सलाम तुम्हारे सर पे हाथ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी बहनों, तुम्हें सलाम सलाम सलाम। औरतों में फिर भी बड़ा जज्बा होता है रहमदिली का। मेरी बहनों ने 90 खोला था, मेरी बहनें दोबारा 90 खोलेंगी, और बुजुर्ग भी 90 खोलेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। साथियों, खुदा रा अपना फर्ज पूरा करना, खुदा रा ईद कुर्बान को कोई शहीद एमक्यूएम का, कोई मजलूम सच्चा वफा परस्त गोश्त से महरूम न रहे, गोश्त से महरूम न रहे। अल्लाह आपका, मेरा, हम सबका हामी हो, नासिर हो।